Hey guys, what's up and welcome back to Steel Rising. So, पिछले एपिसोड में बिशप को बचाने के बाद उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स रह गए थे. बेसिकली वो जो एरिया था वो आपके मिशन के एकदम एंड पार्ट बचा हुआ था. तो डॉक्यूमेंट्स जाके अपन लेके आते क्योंकि अपन को ग्रैपलिंग हुक मिल गया था बॉस को हराने के बाद 2 एपिसोड पहले. तो अपन जो इनएक्सेसिबल एरिया थे उन सब पे जा सकते थे एंड जाके जो भी उसको डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो लाके दिए अपन ने. अब वो लाके देने के बाद जो बिशप होता है वो अपन को थोड़ी बहुत चीजें वगैरह पता था, दूसरे कैरेक्टर्स एंड जो इंसिडेंट्स हुए उसके बारे में, वो सब इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था. लेकिन वो एक चीज बोलता है, पूछता है एक्चुअली कि एजिस जो ये अपनी मेन कैरेक्टर है. Hopes to have Eugène de Vaucanson released from prison. I must find him and help him convince the Comte de Provence. एजिस जो अपनी मेन कैरेक्टर है उसको इतनी सारी चीजें कैसे पता है? मतलब इसका एक फ्री माइंड है अपने ही, मतलब उसे वो देखो वो जो उसे जैसे पता है कि वो मोसी है, दूसरे लोगों को एड्रेस कैसे करना है और जो ये लोकेशन है उस सबको उसे नॉलेज है. तो ये सारी चीज उसे कैसे पता है ये वो बिशप पूछता है इससे. तो इसका आंसर एजिस के पास भी नहीं होता है. मुझे लग रहा है इसका पास्ट अपन को आगे जब अपन गेम और कंप्लीट करेंगे तो पता चलेगा कि इसके अंदर ये मेमोरीज कैसे, क्योंकि बाकी जितने भी ऑटोमेट्स या मशीन देख लो वो सब एक्चुअल रोबोट्स की तरह, उनका कुछ ऐसा इंडिपेंडेंट माइंड कुछ नहीं है. वो जिनको भी देखते हैं उन पर अटैक कर देते हैं जो भी रोबोट्स नहीं है उन पर, लेकिन एजिस का ऐसा हिसाब नहीं है. दूसरी बात, अभी अपन जो मिशन कर रहे हैं अपन लवोइसर के पीछे जा रहे हैं. अभी लवोइसर जो है ये किंग का भाई था एंड ये किंग को मतलब किंग से मिलने गया था कि उसे बोलने के लिए कि ये सारे जो रोबोट्स अटैक कर रहे हैं ये रोको, एंड यूजीन जिसने रोबोट्स को बनाया है उसको जेल में डाल रखा है तो उसको सब छुड़ाने के लिए. अभी तक अपन ने बिशप को बचाया, एस्ट्रोनर बेली को बचाया, तो मुझे लग रहा है लवोइसर को भी ऐसे ही कोई मेन बॉस ने पकड़ रखा होगा एंड अपन को उसे हराना पड़ेगा. सो हियर वी आर. अरे अच्छा, पीछे जा नहीं सकते, ऐसा दिख रहा है कि रास्ता है लेकिन वो क्लोज्ड ऑफ है. लुक्सेमबर्ग ऐसा कुछ नाम है ये लोकेशन. एंड यहाँ पे एक साइड मिशन भी है जो अपन को, एक साइड मिशन अपना गेम के स्टार्ट में शुरू हो गया था जिसमें अपन को क्वीन की सन की डेथ कैसे हुई थी ये पता लगाना है. तो वो भी इधर ही है. अपन को ये लेमिनोवस सर्जरी पे जाना है एंड वहाँ पे वो साइड पे स्टार्ट के प्रोग्रेस होगा. बट आई गेस पहले मेन मिशन करते रहते हैं बाद में साइड मिशन पे ध्यान देंगे. कैन गो देयर. पहले लूट उठा के आते हैं जो जो आजू बाजू में. एसेंस ऑफ अ नोबल स्पिरिट, ये अपन को 750 आने वाले थे. नोबल स्पिरिट जो है एक नए टाइप का रोबोट. क्या रहा है वो, उसके वजह से दूसरे लोगों पे ग्लू हो रहा आ रहा है क्या जो आजू बाजू. मल्टीपल एनिमीज होते हैं ना तो कैमरा लॉक करने में दिक्कत होती है. आवाज आ रही किसी की, मुझे ऐसा लग रहा था वो जो छोटा रोबोट था उसने इनको पावर्स दी या फिर ये लोग थोड़े तेज हो गए थे कुछ, ऐसे बफ किया था ऐसा मुझे लग रहा था. फिर उससे ऐसा वो ब्लू कलर के कुछ स्पार्क टाइप का आ रहा था. किसी के बात करने की आवाज आई थी अभी कहीं पे. बट होगा बाद में खुलेगा, यस बाद में खुलेगा.
नहीं, ये ऐसा क्यों लग रहा है, लोग अचानक से टफ हो गए। अच्छा तो ज्यादा डैमेज कर रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है। रूट है उधर पहुंचेंगे कैसे? ओपन डोर है ना, ऑपोजिट साइड में कोई लोकेशन तो मिस नहीं किया ना ग्राफ लूप का। अच्छा यहां से तुम इधर जा सकते हो तो फिर मुझे उधर पहुंचना है संभव। एजेस उस पर ग्रैपल करेंगी भी अगर मैं उस तक पहुंच भी पाया तो। कोई रास्ता भी तो नहीं दिख रहा वापस जाने का। वो मैंने वैसे सब कर दिया डैश। पहुंच नहीं रही है उतना वो। देखते हैं घूम फिर के ये लोकेशन पे वापस तो आना ही है, देखते हैं कहीं और से अपन वहां पे पहुंचते हैं या वो बिल्डिंग पे, नहीं तो जब वापस आएंगे तब ट्राई करेंगे क्योंकि यहाँ से मतलब अगले लोकेशन में जाने के लिए अपन को कैरेज के पास तो आना ही पड़ेगा। एक और शॉर्टकट The automat that wrought so much death on this place was driven by an unusual thirst for destruction. बस ये चोमो बचा है। ओ। अब ये चलता रहेगा। अरे इनका डैमेज बढ़ गया है, मुझे लग रहा है ये पास का एरिया है ना। क्या है इसके अंदर कोई नया वेपन क्या? पर आर्मर सेट है। हाँ मैं आर्मर इसका भी कम है। वैसे बैलेंस और फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस ज्यादा दे रहे हैं। मोर एनिमीज दे इस तरह का अच्छा गैजेट है। मेरी हील कैसे खत्म हो गई इतनी जल्दी?
थोड़ा स्लॉपी स्टार्ट है एपिसोड का, मुझे ऐसा लग रहा है, पर्सनली लग रहा है कि एनिमी ज्यादा डैमेज कर रहे हैं। देखते हैं। क्या आसपास कोई है क्या? और चल गया, अब बस अपन को चेंज करना है। अरे ये ऑलमोस्ट अटैक मारने ही वाला था लेकिन उससे पहले मर गया। इम्प्रूव्ड एक्सप्लोसिव ग्रेनेड, ये बार शायद चिलिंग ग्रेनेड पड़े यूज करते, 26 बहुत सारे पड़े आगे कैसे हो यहाँ पे। लेकिन अगर मेरे पास ग्रैपलो होता नहीं तो मैं यहाँ पे चढ़ तो नहीं पाता। मुझे लग रहा है उधर और भी रास्ता होना चाहिए जो मैंने मिस किया है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है तुम बिना ग्रैपल हुक के भी ये लोकेशन पे आ सकते हो, है ना? जरूरी नहीं कि तुम बिशप को बाद में भी बचाने जा सकते हो। ये रहा। ओके, तो एक्चुअल प्रोग्रेशन एरिया वो है, तो फिर यहाँ पे देख के आते क्या। चलो पहुंच गए, मैं यहाँ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था। अच्छा वो अपन ने तो ज्यादा टाइम पास नहीं किया, मुझे लगा ही अपन कहीं और चाहिए घूम के। वॉइस सप्लीमेंटर बहुत बढ़िया, ये अपनी हीलिंग पोटेंसी इंक्रीज करता है। हर हील पे कितनी एचपी अपन को मिलेगी वो लवॉइस क्रिस्टल होता है तो अपन ना फ्लास्क बढ़ जाता टोटल की कितने फ्लास्क है अपने पास। दादा आगे आगे इलेक्ट्रिक वाला बंद है। तो भैया थोड़ा आराम से, आराम से।
He's almost dead. Oh, yeah, sick it up. Oh, checkpoint, chalo, finally. देगा ठीक है, हर एक हील में 260 हेल्थ देता है वो। यहाँ पे कुछ नया आया है क्या? फॉर्जिंग द मॉडल कंस्ट्रक्टरी रिस्टोर्स ने ये वाला हाँ एजीज हेल्थ एवरी टाइम सक्सेसफुली परफॉर्म अ काउंटर अटैक। अच्छा काउंटर अटैक जो है वो तुम्हारा एजिलिटी बिल्ड का मूव है ज्यादा, जो डांसर क्लास है ना उसका, तो वो अपने वेपन में है नहीं वो। बाकी कुछ अपने काम पे है नहीं रहे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी ग्रैपल हो गया, ये वो ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि तुम आसानी से मिस कर सकते हो। वहां पे एक लूट दिख रही है मुझे, आई थिंक तुम कहीं और से वहां पे चढ़ के शायद। नो एंड नो मॉन्सियर, आई ऑर्डर यू नॉट टू। एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव यू विल नॉट सेट फुट आउटसाइड। डू यू इंटेंड टू कीप मी इन योर कर्स्ड इन फॉरएवर? दैट्स अ स्ट्रेंज वे टू ट्रीट अ कस्टमर, शेयर मैडम। I want to keep you alive, mon ami. I'll be reasonable. The machines are gone. You can see the coast is clear. There's no way. You are not going through that door until I say so. Oh, sir, what did I do to deserve this? Pardonnez-moi. Oh. Dieu. Well, wasn't I right, cher monsieur? Shh, will you hold your tongue? Do you want to get us all killed now? Do not fear. I have no intention of harming you. I just want a word, je vous prie. Eh? Kuch boli nahi rahi hai kata? Hello? Unki itni phati hui hai, log baat karne ko bhi taiyar nahi hai. Ya probably kahin aur se apan nikal ke aayenge. आप एक खुला डोर दिख रहा है मुझे आकर लूट उठाने के लिए, क्या एक शॉर्टकट है? ये अभी नहीं बोलेगा। एक्चुअली यही एक एबिलिटी बची अपने पास, डैश एंड ग्रैपलो को आगे, अब ये सब वॉल स्मैश करने वाली एबिलिटी रह गई है। जो वीक वॉल्स या वीक गेट्स है ना उसको अपन तोड़ सकते हैं। वो मुझे लग रहा है यहाँ के मेन बॉस से मिलेगा अपन को। रूविंस ऑफ सेंट जर्मन फ्लेयर, मुझे लगा यहाँ पे कोने होने में कोई ना कोई तो होगा छुपा हुआ। ओके वहां पे एक बंदा है, खाली क्यों है ये लोकेशन? ब्रॉन्ज इंगोट, चलो आ गया। कभी कभी ये एनिमीज सोते रहते हैं तो तुम इन पे जाके अटैक कर सकते हो आराम से।
मैं मिस कर दिया। तो चार्ज अटैक होते हैं ना वो एलिमेंटल स्टेटस भी ज्यादा देते हैं एनिमीज पे। बड़ा बंदा फायर वाला है शायद वो। आजा काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है अभी। कौन सा लोकेशन ही अच्छा, अपन ऑपोजिट साइड आ गए यहाँ के। ठीक है नहीं है वहां पे एक लूट दिख रही है। पर अंदर घुसने का कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ऊपर भी एक लूट मिस किया, वो पीछे की तरफ था। लग रहा है यहाँ पे जंप करके तुम वहां से जा सकते हो। अरे ट्रैक किधर था लटका हुआ जो दिखा था। रूट क्रॉस करेंगे। ओके
उस लूट पे कैसे पहुंचेंगे अपन? There we go. तो बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है। से तो मैं आया था ना। अब यार पूरा डिस्ट्रक्शन है ना, तो ऑलमोस्ट आजू बाजू की सारी चीजें एक जैसी दिखती है। छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखना पड़ता है, जैसे ग्रैपल हुक पॉइंट हो गया जो मतलब हर जगह पे नहीं है। अकेले तो दिक्कत नहीं देगा। और ये जो वेपन मैं यूज कर रहा हूँ ना, ये लेवल 1 का, इसको तो अपग्रेड भी नहीं किया। फायर वाले जो बैटन से उसको लेवल 3 तक किया अपग्रेड। शॉर्टकट है ये, सियासे नहीं खुलेगा ये। देखो यहाँ पे एक और ब्रेकेबल वॉल है, अभी अपन जा नहीं सकते। You need the tool to break this. Yeah, ये जिस लवोइस को, लवोइसियर को जो जिसने भी पकड़ के रखा है ना रोबोट, उससे अपन को मिलेगा वो पक्का। वो बंदे और एक जो बफ करता है वो कीड़ा भी है नीचे। I don't think कि मैं इनसे लड़ना चाहता हूँ यहाँ पे, अपन बच नहीं पाएंगे, दिक्कत ये है। आगे पीछे से फेल देंगे सारे। अरे यार गलती से एक जो हील बचा था वो भी यूज कर दिया। यूज करेंगे यहाँ पे चेन के रेंज की वजह से ना, अब हमको एकदम उनके मुंह पे नहीं चढ़ना पड़ता। अपन एक चीज कर सकते हैं, ग्रेनेड एक्सप्लोसिव वाले देख के मार सकते हैं इनके मुंह पे। किधर है? बहुत कम डैमेज ले रहे सारे। Thank you.
जितने एक्सप्लोसिव ग्रेनेड थे ऑलमोस्ट सारी खत्म हो गए। पॉइंट एंड डैगर डेक्स वेपन लग रहा है। हाँ है तो डेक्स वेपन स्पेशल हो क्या काउंटर अटैक। हाँ अपन को पहले एक फैल्कन एंड से हाँ फैल्कन एंड सेवर मिला था ना सेम हुई है बस स्पेशल मूव दोनों के अलग है। इसमें स्पेशल मूव काउंटर अटैक है ओह नाइस और उसका स्पेशल मूव स्पिनिंग अटैक था या सेम है मूव सेट सेम है। मुझे ऐसा लगता है डेक्स के वेपन सबसे ज्यादा है गेम में क्योंकि अपन जो ये बैटन्स यूज कर रहे हैं काइंड ऑफ ये भी एक तरीके से तुम एज अ डेक्स वेपन यूज कर सकते हो क्योंकि इसमें डेक्स स्केलिंग भी है। ये फायर बैटन तो नहीं लेकिन वो जो आइस बैटन है वो साइड मिशन है। अच्छा मेन मिशन ऊपर है तो साइड मिशन है वो जो देख रहा है उधर अपन बाद में जाएंगे पहले मेन मिशन निपटा लेते हैं। एक्चुअली इनसे लड़ने की जरूरत भी नहीं थी लेकिन ठीक है। बॉक्स के अंदर कुछ और भी पड़ा हुआ ठीक है अंदर कुछ मिला कि कुछ नहीं मिला कुछ लिख के तो नहीं आया। आई वंडर कि क्या मैं वहां से यहाँ पे कूद सकता था मुझे नहीं लगता अपन उधर जा पाएंगे। लेफ्ट की तरफ मैं बोल रहा था शॉर्टकट शॉर्टकट है हाँ ये शॉर्टकट है। यहाँ पे एक वो बंदे से लड़े थे बड़े वाले से अपन ऑपोजिट साइड से अपन ग्रैप लूप वगैरह करके ऊपर से आए थे। नीचे कुछ है जो मिस किया था ये देखो मारा पड़े थे एंड यहाँ से फिर ऊपर चढ़े थे अपन। चलो भाई कम से कम अगर मर गए अपन तो वापस आने के शॉर्टकट थोड़ा सा खुल गए। ऐसे जगहों पे संभाल के रहना वो जो सांप टाइप के एनिमी होते ना वो ऐसे ऊपर बैठे होते हैं तो उन पर एकदम एम्बुश अटैक कर देते सब। आई थिंक एक आधे ये मिलने का टाइम आ चुका है क्या कहते हैं चेक पॉइंट ओवर अ चेक पॉइंट बढ़िया। ओ भाई गाइस एनीवेज एपिसोड आज का यही पे रैप अप करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में शायद मुझे लग रहा है एक और चेक पॉइंट होगा उसके बाद बॉस फाइट होगा तो अगला एपिसोड देखना मत भूलिएगा। तो अगले एपिसोड में अपन बॉस फाइट भी करेंगे एंड वी विल डू द साइड मिशन जो था यहाँ पे अपन को किसी के सर्जिकल लैब या ऐसा ही कुछ था ना वहाँ पे कहीं पे जाना है वो अपन को जो क्वीन के बेटे के डेथ के बारे में जो भी सीक्रेट्स है वो बताएगा वो अपन एक्सप्लोर करेंगे कि उसका बेटा कैसे मरा था वो साइड मिशन है। So anyways, see you guys in the next episode. Aaj ke episode chala to like karna mat bhulega. Till then, take care and bye bye.